प्लीज खोलिए मेरे पिंजरे में ना। क्या प्रभास की आगामी फिल्म सलार हैदराबाद में लॉन्च हो गई है? क्या प्रशांत नील की कन्नड़ फिल्म सलार में शामिल होने के बाद श्रुति हसन के 2017 के ट्वीट पर उनको ट्रोल किया जा रहा है? पॉलीग्राफ स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे साउथ के सुपरस्टार उफ बाहुबली फिल्म के मुख्य लीड स्टार प्रभास की आने वाली फिल्म सलार के बारे में। बताया जा रहा है कि फिल्म में प्रभास अभिनेत्री श्रुति हसन के साथ काम कर रहे हैं। सलार एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन प्रशांत नील ने किया। फिल्म में प्रभास और श्रुति हसन मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का संगीत कंपोज रवि भसरूर द्वारा किया गया था, जबकि सिनेमाटोग्राफी भुवन गौड़ा द्वारा किया गया। फिल्म का निर्माण विजय केरंदूर ने ह्यूमवेयर फिल्म्स के बैनर तले किया है। अभिनेता प्रभास की आगामी फिल्म सलार को केजीएफ के निर्देशक प्रशांत नील के साथ आधिकारिक की अध्यक्षता अभिनेता यश और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डॉक्टर अश्वनतारा नारायण सीएन ने किया। लॉन्च समारोह की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इन तस्वीरों में प्रभास और यश दोनों ही एक लाइट मूवमेंट शेयर करते साथ देखे जा सकते हैं। इस परियोजना की आधिकारिक घोषणा पिछले साल दिसंबर में एक पोस्टर के साथ की गई थी। एक एक्शन गाथा होने के कारण फिल्म में प्रभास को सलार नामक एक चरित्र में दिखाया गया। सलार जिसे हिंदी में डब और रिलीज किया गया है, उसे अनिल थवानी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। प्रशांत के केजीएफ चैप्टर 2 में शामिल होने के बाद इस परियोजना के सिनेमा घरों में जाने की उम्मीद है, जिसमें यश प्रमुख है। और इस बीच प्रभास वर्तमान में आगामी फिल्म तेलुगु अवधि के रोमांटिक नाटक राधे श्याम को खत्म करने में व्यस्त है। राधा कृष्ण कुमार के निर्देशक में बनी इस फिल्म में प्रभास एक ताड़ पाठक के रूप में और पूजा हेगड़े एक संगीत शिक्षक के रूप में है, जबकि प्रभास और श्रुति के प्रशंसक निवंतम घोषणा से उत्साहित है। 2017 का अभिनेत्री द्वारा किए गए एक ट्वीट फिर से जाग उठा। अपने ट्वीट में श्रुति हसन ने कहा, स्पष्ट करते हुए कि एक निकट भविष्य में कन्नड़ फिल्म करने की मेरी कोई योजना नहीं है और इसके बारे में किसी के साथ कोई चर्चा नहीं हुई है। यह ट्वीट काफी वायरल होता जा रहा है, जब जनता श्रुति हसन को ट्रोल कर रही है, लिखते हुए कि उनका वो शायद कोई राजा नहीं था कन्नड़ फिल्म का और कैसे वह फिल्म में काम कर रही है। कन्नड़ निर्देशन के साथ कन्नड़ प्रोडक्शन हाउस की कन्नड़ फिल्म है, ये बताते हुए ट्वीट किए गए। कन्नड़ फिल्मों को स्वीकार करने के लिए श्रुति को पांखुड़ी ट्वीट करके बोला जा रहा है। अब देखना ये होगा कि फिल्म दर्शकों को कितनी पसंद आती है। हमें आप अपने जवाब कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो लाइक करिए और पसंद आए तो इसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। मेरा नाम है पूनम और आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है कृति शर्मा ने।